हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे 2021 जुलाई करंट अफेयर्स। जी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला सवाल ये है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? उसके ऑप्शन है ए जुलाई 14, बी जुलाई 15, सी जुलाई 16 और डी जुलाई 17। और इसका सही जवाब है डी जुलाई 17। जी हाँ, डी जुलाई 17 को इंटरनेशनल क्राइम जस्टिस डे भी कहा जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल है आपके सामने, किस बैंक ने ABHI नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी आंध्र बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी AU बैंक। और इसका सही जवाब है बी आंध्र बैंक। जी हाँ, आंध्र बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम का यूज करके ये चैटबॉट लॉन्च किया है जो कस्टमर्स की क्वेरीज मिली सेकंड में फेच करता है। तो चलिए बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। और आज का तीसरा सवाल ये है आपके सामने, किस देश ने भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारत में अपने ग्लोबल कार्यक्रम का विस्तार किया है? और इसका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी रसिया। और इसका सही जवाब है बी यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, बी यूनाइटेड किंगडम ने भारत में अपने ग्लोबल कार्यक्रम को विस्तार किया है। तो चलिए बढ़ते आज के चौथे सवाल की तरफ। और आज का चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, जेई रेड्डी का शैक्षणिक ऐप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? उसका ऑप्शन है ए पेटीएम, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजॉन और डी गूगल। उसका सही जवाब है सी अमेजॉन। जी हाँ, सही, अमेजॉन ने लॉन्च किया जेई रेड्डी शैक्षणिक ऐप की द्वारा स्टूडेंट जेई मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए बढ़ते आज के पाँचवें सवाल की तरफ। आज का पाँचवा सवाल ये रहा आपके सामने, कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण 2019 की मेजबानी करेगा? उसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। और इसका सही जवाब है बी गोवा। जी हाँ, गोवा 20 से 28 नवंबर तक इस संस्करण 2019 की मेजबानी करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। और आज का छठा सवाल ये रहा आपके सामने, किरण मोरे को किस क्रिकेट टीम में अंतरिम कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी न्यूजीलैंड, डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका सही जवाब है डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, USA ने किरण मोरे को अंतरिम क्रिकेट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। और आज का सातवां सवाल ये रहा आपके सामने, ICC हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने वाले छठे भारतीय कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गांगुली, सी राहुल द्रविड़ या डी हरभजन सिंह। उसका सही जवाब है ए सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को हॉल ऑफ फेम ICC हॉल ऑफ फेम मिल गया है छठवा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। और आज का आठवां सवाल ये रहा आपके सामने, किस शहर ने यूके इंडिया संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक 2019 की मेजबानी की? इसका ऑप्शन है ए पुणे, बी न्यू दिल्ली, सी लंदन या डी दुबई। और इसका सही जवाब है लंदन। जी हाँ, लंदन ने इस समिति की बैठक 2019 की मेजबानी की है। चलिए बढ़ते हैं आज के नौवें सवाल की तरफ। और आज का नौवां सवाल ये रहा आपके सामने, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोला है? उसका ऑप्शन है ए चाइना, बी UAE, सी पाकिस्तान और डी जापान। उसका सही जवाब है सी पाकिस्तान। जी हाँ, पिछली बार बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने अपना हवाई अड्डा भारत के लिए बंद कर दिया था। उसके बाद आज 5 महीने बाद फिर से भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोला है पाकिस्तान। तो चलिए, अगर आपको अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हमसे जुड़ते जाएंगे हम आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाना और इस देश को आगे बनाना। तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।